हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और गाइस, अगर जो आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट में कुडंट रिफ्रेश फीड की प्रॉब्लम चल रही है, सो गाइस आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गाइस, मैं आप सभी को स्टेप्स बताऊंगा, आपको वह स्टेप्स फॉलो करने हैं और गाइस स्टेप्स करने के बाद ही आप सभी की ये प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगी। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आप सभी को। गाइस सबसे पहले आप सभी को यहां से बैक आ जाना है, जैसे कि आप सब देख पाएंगे। गाइस के बाद आप सभी को इंस्टाग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके आइकन पर, यहां पर गाइस आप सभी को ऐप इन्फो पर जाना होगा। गाइस जब आप सभी यहां ऐप इन्फो पर जाएंगे तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा स्टोरेज यूजेज। यहां जाने के बाद गाइस आप सब यहां देख पाएंगे क्लियर चैचे का ऑप्शन। गाइस आप सभी को यहां पर क्लियर कर देनी है चैचे। उसके बाद गाइस आप सभी को बैक आना है। गाइस बैक आने के बाद आपको ऊपर दिखेगा डाटा। गाइस आप सभी को अपना डाटा यहां से क्लियर कर देना होगा। गाइस यहाँ पर जो आपका डाटा है इसको ऑफ कर देना होगा आप सभी को। गाइस यहाँ से डाटा ऑफ करने के बाद आप सभी को क्या करना है, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना होगा। सो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना होगा। गाइस फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद आप सभी का फ़ोन ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप सभी को दोबारा अपना मोबाइल का डाटा ऑन करना होगा। जब गाइस आप सब अपने मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे, उसके बाद गाइस आप सभी को एक मिनट का थोड़ा वेट करना है, इतना आपका फ़ोन जो है स्टेबलाइज होगा। उसके बाद गाइस आप सभी क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम को दोबारा ओपन करेंगे। जब गाइस आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने ये सबसे पहले ये वाला इंटरफेस लेकर आएगा। अब गाइस आप सभी को यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना होगा। गाइस लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ आप सभी के सामने ऑप्शन दिखेगा गेट हेल्प लॉगिन। गाइस आप सभी को इस पर क्लिक करना है। जब गाइस आप सभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ये दिखला देगा फाइंड योर अकाउंट। गाइस आप सभी को अपने यहाँ पर अकाउंट का नेम डाल देना होगा, यूजर नेम जो भी आप सभी का है। सो गाइस यहाँ पर मैं अपना वह यूजर नेम डाल दूंगा जिसे मुझे जो है अभी ओपन करना है। तो गाइस मेरे यहाँ पर जो है वह आपको गाइस जो भी आपका यूजर नेम है सही से डालना, पूरा एकदम करेक्ट आपका वह यूजर नेम होना चाहिए। गाइस जब यहाँ डालेंगे तो आप सभी यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो है ये मेरा इसका यहाँ पर डीपी आ जाएगी। तो गाइस आप देखकर जो है इसमें मैच कर लेंगे कि हाँ यही जो है मेरा वह अकाउंट है। उसके बाद गाइस आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे नीड मोर हेल्प के ऑप्शन पर आप सभी क्लिक करेंगे। गाइस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने ये दिखला देगा। यहाँ पर गाइस आप सभी जो है फ़ोन नंबर या ईमेल आपके पास इसमें होगी गाइस, लेकिन आप सभी क्या करेंगे पहले फ़ोन पर मंगाएंगे कोड। अगर जो गाइस फ़ोन पर कोड आने के बाद आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है तो गाइस आप सभी जो है ईमेल पर मंगाएंगे। तो गाइस मैं जो है अपना फ़ोन पर मंगाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड सिक्योरिटी कोड के ऑप्शन पर। जब गाइस आप यहाँ सेंड सिक्योरिटी कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस आप सभी को यहाँ पर एक कोड जो है रिसीव होगा इंस्टाग्राम की तरफ से। सो गाइस यहाँ पर आप सभी को वह कोड यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली गाइस आप सभी को यहाँ पर वह कोड पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब गाइस आप यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी से यहाँ पर एक पासवर्ड ये मांगता है। तो गाइस यहाँ पर आप सभी अपना पासवर्ड सेट करेंगे। सो गाइस मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है सेट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पासवर्ड सेट करने के बाद आप सभी को गाइस यहाँ पर आप सभी का ये जो है थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और गाइस के बाद आप सभी का ये जो है यहाँ से सबमिट हो जाएगा और गाइस इंस्टेंटली आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर जो इसके बाद भी आप सभी को कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे गाइस नहीं आएगी, आप सभी का अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। अगर जो गाइस जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप सभी क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र पर यही तरीका आप अपनाएंगे तो गाइस क्रोम ब्राउज़र से आपका ये जो है हो जाएगा। लेकिन गाइस क्रोम ब्राउज़र से होने से पहले आप सभी को क्रोम पर जो है ऐसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो पर जाना होगा। गाइस ऐप इन्फो पर जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर स्टोरेज यूजर्स पे क्लिक करके यहाँ पर क्लियर कर देनी है इसकी चैचे। और गाइस यहाँ पर चैचे क्लियर करने के बाद आप सभी जो है यहाँ से बैक जाएंगे और गाइस आप सभी को देखना पड़ेगा कि क्रोम ब्राउज़र पे आपका कौन सा जीमेल अकाउंट जो है लॉगिन है। तो गाइस आप सभी को अपना वह जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है क्रोम ब्राउज़र पर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में है। अगर जो गाइस आप सभी का इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई जीमेल ही नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो आप किसी से भी कर सकते हैं। सो गाइस आप सभी की ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।